मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने में शिवसेना शिंदे गुट के एक कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या कर शव की पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया गया, मगर मृतक ने जो सोना पहना हुआ था और आरोपियों ने हत्या करने के बाद बदन से सोने को उतार लिया और बेचने के चक्कर में थे, लेकिन पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान अक्षय दुबे के तौर पर हुई है, जो वसंत विहार इलाके का रहने वाला था। 29 अगस्त को पैसों की वजह से हुए विवाद में धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई थी। चितलसर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर गिरीश गोड ने बताया है कि आरोपी की पहचान गुरुनाथ जाधव, करण अनिल सावरा और प्रशांत उर्फ बाबू मारुति जबर के तौर पर हुई है। तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पैसों की लेन देन की वजह से हत्या का कारण जो है ये हुआ है। मृतक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने मृतक के शरीर से सोने के ज्वेलर्स निकालकर शव को पहाड़ी के पास जलता हुआ छोड़ दिया था। दुबे की लापता होने की शिकायत पुलिस को भी मिली थी। 29 अगस्त से दुबे लापता थे। इसी बीच पुलिस को ये जानकारी मिली कि कुछ लोग सोने के जेवर बेचने आने वाले हैं। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो अक्षय दुबे की सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। अक्षय दुबे ये मिसिंग हो गए थे, ऐसी कंप्लेंट हमको प्राप्त हुई थी 30 तारीख को। हमारा इंक्वायरी चल रहा था, इन बिटवीन हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली, एक करोड़ आदमी है जो कुछ सोने की चेन और अंगूठी बेचने के लिए आ रहा है, तो उसको हमने उठाया वहाँ से। उसके इंट्रोगेशन में ऐसा पता चला कि चेन और अंगूठी अक्षय की है, उन्होंने अक्षय को मारा था। करण, गुरुनाथ और प्रशांत ने उसको मारा था और उसकी लाश जंगल में लेके उसको जलाने की, पेट्रोल से डाल के जलाने की कोशिश की थी। उसके हिसाब से हमने, उसने दिखाया हमको लाश किधर है, वहाँ से लाश हमने बरामद की है। उसका इंपेश करके हमने पोस्टमार्टम को भेज दिया है। उसका पोस्टमार्टम अभी हुआ है। उसके पेट के ऊपर और उसके नेक के ऊपर और बहुत सारी जगह पे कोयते से वार किया गया है। अभी हमने तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके उनका रिमांड लिया है। 8 सितंबर तक उनका रिमांड है। इसमें जो हथियार है, जो उस वक्त आरोपी ने जो कपड़े पहने हैं, वो हम अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिसीज है मैथ, उसका मोबाइल अभी तक मिसिंग है। वो मोबाइल प्रशांत ने ट्रक के ऊपर फेंक दिया था, ऐसा वो बोल रहा है। इसके लिए हमारे लोकेशन वो ट्रक के पीछे पीछे आ रहे थे, वो थोड़ा मिसगाइडेड कर रहे थे हमको इसी तरह से। और हमने सबको अभी अरेस्ट किया है, उनका रिमांड लिया है। उनके ऊपर हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और प्रॉपर एविडेंस करके हम उनके खिलाफ चार्जशीट लेने वाले। इन जो गुनहगार है उनको ज़्यादा सजा हुई होगी, इसकी हम कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से आरोपी गिरफ्तार करना है, इनका बैकग्राउंड क्या है और जिस तरीके से ऐसा बताया जा रहा है अक्षय दुबे रिकवरी वाला ऐसा था, ऐसा तो जनरली अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि अक्षय ने गुरुनाथ को 3.5 लाख रुपए दिए थे, उसके बदले में उसने श्योरिटी करके वो उसके माँ का जो रूम था वो खरीदी किया था, नोटराइज किया था। लेकिन इन बिटवीन गुरुनाथ उसको पैसा वापस नहीं कर रहा था, उसके पैसे के पीछे पड़ा था, उसको तंग कर रहा था। तो ये झगड़े में गुरुनाथ ने प्लान किया कि अक्षय को ख़त्म करे, इसलिए उन्होंने करण और प्रशांत को साथ में लिया और उसको 29 तारीख को घर में बुला के, चेक देने के बहाने घर बुला के उसके ऊपर कोयते से अटैक किया, उसको मार दिया, उसका बॉडी जला दिया। ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आपको कौन सी धारा लगाई गई है और आपके माध्यम से लोगों को क्या अवेयर रहेगा, अगर रात के समय घर से बाहर निकल रहे हो, कोई आपको बुला रहा है, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है तो रात में तो ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर घूमने के लिए, रात में सब जन घूमते हैं, लेकिन किसी का राइवली है नहीं तो और कुछ है तो थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत आवश्यकता है। बाकी हमारा जो इलाका है वो बहुत सेफ है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो हो गया है वो उनका आपस का झगड़ा पूर्व दुश्मन से हो गया।